अरे हो रही तो क्या यार, यार पहले यार युवा मोर्चा के अध्यक्ष हम चलो जो पीड़ित हो सुने समझे जिसको जो लिख के समाज को गाली दी गई बैठने दिन लगेंगे अब इसका मेडिकल कब होगा कब तक खून निकलेगा भैया देखो खून निकल रहा आप एक घंटे से ये नहीं पता लगा पाए हो कि 64 तक बस तक ना कर जाती है क्या नाम है आपका ऋचा सक्सेना क्या करती पार्टी में है जी भाजपा से रणद पार्षद हूँ इस बार और वार्ड अध्यक्ष हूँ कोपरगंज वार्ड 89 से क्या हुआ क्या घटना हुई है आज कम आज कमल संदेश पद यात्रा निकाली गई थी मेरे वार्ड कोपरगंज में तो वहाँ पे सब कार्यकर्ता जलपान कर रहे थे समापन पे हाँ तो प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में जब वहाँ सब लोग जाने लगे तो मोहित मेडिकल स्टोर जो सामने वाली पट्टी पे है जो क्षेत्र उसमें करेक्टागंज मंडल में आता है वो वहाँ पे खड़े हुए रमेश गुप्ता जी मोहित मेडिकल स्टोर पे खड़े होकर गाली गलौच कर रहे थे तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कुछ नहीं कहा उस टाइम निकल गए मगर प्रदेश महामंत्री जी को जब गाली दी गई है उस वक्त पे हमारे कार्यकर्ताओं ने उनसे ये बात कही है और वो जब उन्होंने हाथ पैर चलाने की कोशिश की है तब हाथ पैर वहाँ से भी चले दोनों तरफ रमेश गुप्ता जी वो भी भाजपा के थे अब अगर गाली गलौज करेंगे तब कहाँ है कि भाजपा के वो लोग हैं और दूसरे हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सतीश महाना जी के ही मतलब और दूसरा थोड़ी देर बाद जब सब लोग चले गए हैं और जब हमारा कार्यकर्ता छोटा भाई वहाँ से निकल के जा रहा था तो उनके भतीजे ने हिमांशु गुप्ता जी ने हमारे छोटे भाई को भी बट से मारा कट्टे की मैं बचा बीच बचाव करके लाई उसको तो यहाँ थाने में एप्लीकेशन दे रहे हैं जातिवाद पे भी ये हमारा एक कार्यकर्ता और है अरविंद सोनकर युवा मोर्चा मंडल महामंत्री इसको भी जातिवाद शब्द कुछ कहा गया है